गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू आवर चैनल प्राचीत्स वर्ल्ड। आज की इस ब्लॉग में आप लोग देखेंगे ढोकला की रेसिपी। एंड ढोकला की रेसिपी के लिए ये मैंने लिया है बेसन। एंड बेसन में मैंने कुछ चीज़ें डाल ली हैं, जैसे कि नींबू मैंने डाला हुआ है और दही मैंने डाला हुआ है, और वो आप लोग को सामने कटा हुआ दिख भी रहा होगा। एंड मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी को शुभ माना जाता है। एंड थोड़ी सी ऐड करें, ज़्यादा नहीं, वरना आपका जो ढोकला होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। तो आपको हल्दी थोड़ा सा ऐड करना है येलोइश कलर के लिए, तो मैंने भी वही किया है। एंड थोड़ी थोड़ी पानी ले लेके मैंने उसको मिक्स कर लिया है ताकि कुछ गुठलियाँ ना पड़े। एंड फिर मैंने इसको रख दिया है रेस्ट करने के लिए। और जैसा कि मैं ये मॉर्निंग में बना रही, और इसमें मैंने जो चीज़ें ऐड किए हैं वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो मैं वो डाल नहीं पाई। मैंने सोचा था मैं दोबारा से बनाऊंगी तो मैं डालूंगी, लेकिन बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने यही वाला डाल दिया, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन थे मेरे पास। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने छोड़ा है क्योंकि मॉर्निंग हमारी थोड़ी लेट हो गई थी, मैं सब्ज़ी वगैरह लाने गई थी, तो उसमें इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम मतलब मैंने कम रखा है रेस्ट रखने के लिए इसमें, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट। तो मैंने इसमें थोड़ा सा इनो ऐड किया है जिससे कि मेरा ढोकला फूले। एंड आप लोग ऐसे ही बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी होता है आप वो डाल सकते हैं खाने में, तो मैंने इनो ही यूज़ किया है उसकी जगह पे। तो इनो यूज़ करके ही मेरा ढोकला फूल जाएगा, तो देखते हैं। पहले तो मुझे भी डाउट हो रहा था, इतने कम टाइम के लिए मैंने रखा है, हाफ एन आवर के लिए, हाफ एन आवर से भी कम रखा था मैंने, तो मुझे भी डर लग रहा था पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। अब मैंने इसको मिक्स करके इसके बर्तन में रख दिया था, और ये मैंने इडली का ही बर्तन यहाँ पे यूज़ किया है ढोकले को रखने के लिए। ढोकले को मैंने एक माउल्ड में रखा, जो ढोकला का बैटर है वो मैंने इस माउल्ड में रख के इडली के बर्तन में ही इसको रख दिया यहाँ पे, और ताकि मेरा ये इजीली हो जाए। मीनवाइल मैंने इसको रख दिया है, और मैं लाइट अप कर दूँगी गैस को, क्योंकि बाद में इसका पानी हिलते रहता है, इसलिए मैंने पहले रख दिया, उसके बाद मैंने इसको बर्न किया, लाइट अप किया मतलब चूल्हे को। एंड फिर मेरा जब तक ये ढोकला रेडी हो रहा था तब तक मैं अपने काम कर रही थी, और फिर अब ये मेरा ढोकला रेडी हो चुका है। अब कैसे चेक करेंगे हम लोग कि ढोकला रेडी हो चुका है? आप लोग इसमें किसी भी चीज़ को डाल करके, तिल्ली या फिर ये चाकू को डाल करके आप लोग देख ले, अगर उसमें ढोकला स्टिक नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपका जो ढोकला है वो रेडी हो चुका है। एंड अगर वो चिपचिपा हुआ और क्लियर नहीं निकला, मतलब कि वो नहीं प्रिपेयर हुआ है, तो यहाँ मेरा ढोकला हो चुका था प्रिपेयर, नियर अबाउट मैंने 15-20 मिनट्स छोड़ दिया था, और ये मैंने निकाल दिया, ये गर्म ही गर्म है। तो मैंने इसको क्या किया था, थोड़ी देर में आप लोग को दिखेगा कि हाँ, मैं वापस से चेक कर रही हूँ कि ये हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो मैंने चेक किया था तो हो चुका था ऑलमोस्ट ये, तो मैंने इसकी साइड्स को छुड़ा लिया, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं काट लेते हैं, काटने के बाद ही उसको वो लोग निकालते हैं, बट मैं सोची कि चलो भाई आज ऐसे करके देखते हैं। मीनवाइल लड्डू के पापा सब लोग इधर ही थे, लड्डू उनको भी परेशान कर रहा था। एंड मेरा ढोकला गर्म था तो मैंने क्या करा, उसको थोड़े से पानी में रख दिया था, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी था करने को, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 o'clock होने वाला था, तो इतनी लेट ब्रेकफास्ट कौन करता है। तो मेरे को जाना था सब्जी लाने, जिसकी वजह से मैंने 11 o'clock उस दिन ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो 10:30 के अराउंड मैंने ये बनाया। और इसको छुड़ाने के लिए मैं इसको टैप टैप कर रही हूँ ताकि वो निकले इजीली। अब तो भी ये नहीं निकला, तो अब मैंने इसको ऐसे किया शेक, तो इसने अपना साइड छोड़ दिया था, और मैंने क्योंकि ऑयल यूज़ किया था, आप लोगों ने देखा, ऑयल यूज़ करने की वजह से ही वो अपनी साइड छोड़ा था। और मैं इन्हें बोल रही थी कि अगर मेरा अच्छा बनेगा तब भी मैं डालूंगी, वरना मैं नहीं डालूंगी, तो इन्होंने बोला नहीं अच्छा बनेगा। तो अब मैंने निकाल लिया, निकालने के बाद मैंने इसको कट कर लिया अपने क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कट किया है। एंड फिर मैं इसको आगे, हम लोग ज़्यादातर मीठा वाला नहीं पसंद करते, शाम के टाइम कभी कभी मीठा वाला ठीक लगता है, लेकिन मुझे नमकीन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है ढोकला। तो मैं इसे अब फ्राई करूँगी।
और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ढोकला जो है वो स्पॉन्जी बना है, क्योंकि वो इतना दब जा रहा है वापस ये अपने शेप में आ जा रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे तो ये बन जाएगा। बहुत लोगों को आता होगा इससे अच्छा भी बनाना, बट मैंने जो सीखा है वो अपने हाउस ओनर से सीखा है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक दिन खिलाया था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने पूछा कैसे बनता है, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बनता है, फिर मैंने बनाया। एंड मेरे फादर इन लॉ आए थे जब पिछले मंथ मतलब कि आज से 2 महीने पहले, तो मैंने उन्हें भी खिलाया था, उन्हें भी अच्छा लगा, लेकिन वो ज़्यादातर अपने घर का ही खाना, मतलब जो नॉर्थ इंडियन जो बिहार में बनता है वही खाने उन्हें ज़्यादा अच्छे लगे। लेकिन उन्हें इडली डोसा ये साउथ इंडियन फूड भी मैंने सारा टेस्ट कराया। मैं सोचती थी कि मैं कराऊंगी, क्योंकि घर पे पता नहीं हो पाएगा या नहीं, बट यहाँ जब भी आएंगे वो तो मैं उनको सब कुछ खिला दूंगी जो उन्होंने नहीं खाया। तो मैंने उन्हें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खिलाई भी, और जब मैं खिलाती थी वो मुझे बोलते थे कि ये कैसे बनाई हो, वो कैसे बनाई हो, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। तो ये पापा को भी मैंने खिलाया था ढोकला, एंड उन्हें भी अच्छा लगा था, बट उन्हें सबसे अच्छा डोसा लगा था, तो डोसा वो खा पाते थे, एंड ढोकला भी उन्हें अच्छा लगा था, ढोकला भी खाया था उन्होंने 2-3 बारी मैंने उनको खिलाया था ढोकला बना के, बट तब मुझे भी उतना परफेक्ट नहीं आता था जैसा आता था मैंने खिलाया। अब यहाँ मैंने ढोकला फ्राई करने के लिए रख दिया है एक पैन को, तो पैन में मैं इसमें जस्ट थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, एंड ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते ऐड करने के बाद मैं इसमें मिर्च डालूंगी, एंड थोड़ा सा राई मतलब सरसों डालूंगी। बहुत लोग बोलते हैं राई को सरसों नहीं बोलते, बट यहाँ पे सब लोग सरसों को ही राई बोलते हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं सरसों बोलती हूँ। तो काले सरसों के दाने हैं मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ इसमें, एंड जस्ट आप लोग थोड़ा सेफली डालें, क्योंकि ये मिर्च होता है तो बहुत चटकता है, तो आता है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ढोकले, और मेरे ढोकले तो हो गए हैं अच्छे अच्छे, एंड उस दिन खाने में भी बहुत अच्छे लगे थे। ये मैं वीडियो जो पोस्ट कर रही हूँ वो थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया मेरा वीडियो का थोड़ा सा पोर्शन डिलीट हो चुका था, तो मैं सोच रही थी कि मैं डालूँ ही नहीं डालूँ, फिर बहुत लोगों ने बोला था तो मैंने सोचा चलो भाई डाल देते हैं। तो जिनको अच्छे से आता है उनको तो वेरी गुड, जो मेरी तरह हैं लर्निंग मोड में अभी, तो वो ऐसा करके सीख सकते हैं। एंड इसके साथ मैंने बनाई थी धनिया और पुदीने की चटनी, और ये मैं 3-4 पीस ढोकले निकाल रही हूँ किसी स्पेशल चीज़ के लिए, ये एक सीक्रेट है। एंड देन फिर मेरे ढोकले मैंने ऐसे नॉर्मल थोड़े से फ्राई किए, और मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश शेड का ही अच्छा लगता है, तो एक साइड से मैंने डीप ब्राउन कर लिया था, एंड मैंने इसे ज़्यादा बड़ी करछी से नहीं किया क्योंकि उससे टूटेंगे, और मैंने बस चाकू की हेल्प से ही कर लिया था क्योंकि इजीली पलटी मार दे रहे थे ये, तो मेरे लिए इतना काफ़ी था। फिर मेरे ढोकले ऑलमोस्ट हो चुके हैं रेडी, एंड ऐसे ही आप लोग भी ट्राई कीजिए और आप लोग भी बताइएगा। मीनवाइल मैं चटनी भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे कभी कैमरा को इधर सेट करना हो रहा था कभी उधर, तो यहाँ मैं चटनी को प्रिपेयर कर लिया मैंने, और मेरी चटनी भी हो चुकी थी रेडी, ढोकला भी हो चुका था रेडी, एंड बस आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिए एंड बताइए कैसा बना कैसा नहीं बना। फिर मेरे ढोकले मैंने निकाल दिए प्लेट में, भाई अब तो हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका था, एंड बस ये था मेरा ढोकला का रेसिपी। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने जो जो स्टार्टिंग में डाला वो मैं नहीं दिखा पाई वीडियो डिलीट होने की वजह से। सो गाइस, हमारा तो ढोकला हो गया है रेडी, एंड हम लोग जा रहे हैं अब ब्रेकफास्ट करने, काफी टाइम भी हो गया है, एंड मीनवाइल मैं लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड अभी तक के लिए एंजॉय। गर्म है, बहुत लोग बोलेंगे कि भी ये तो मीठा होता है या मीठा है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, बट हमें पर्सनली नमकीन वाला अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने नमक वाला बनाया है, वरना एक बार शक्कर वाला भी बनाया था, शक्कर वाला भी अच्छा लगता है, बट जनरली नमक वाला हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, एंड चटनी की रेसिपी तो इसमें होगी नहीं, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में होगी। तो ये है धनिया एंड पुदीना की चटनी, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो शेयर करूँगी। एंड बस अब बहुत लेट हो चुका है, मैं जा रही हूँ खाने, एंड आप लोग इन्जॉय कीजिए। अगर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, अगर रेसिपी अच्छा बना तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आके जरूर बताना कि कैसा बना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय।